नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबर। बजट को लेकर विधायक गौरी शंकर बिसेन ने दिया बयान। बालाघाट विधायक व पूर्व कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन के द्वारा बयान दिया गया है। वहीं गौरी शंकर बिसेन द्वारा कहा गया है कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, 75 साल के बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही साथ यह बजट देश में बेरोजगारी को भी खत्म करेगा। भारत सरकार के द्वारा आज जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं वित्त मंत्री जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। यह बजट देश के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लाया गया बजट है। देश की इकोनॉमी मजबूत हो, इसको फोकस करते हुए बजट है। और विशेष तौर से जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको अब अपना रिटर्न फाइल नहीं करना है। जो अकेले पेंशन के रूप में अपने अपनी जो उनकी मुख्य आय अकेली इनकम होती है, उनको इतना छूट दिया गया। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बहुत अधिक राशि का इस बजट में प्रावधान किया गया। कृषि को प्राथमिकता दी गई है और मुझे लगता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे MSP पे जो खरीदी होनी है फसलों की, उसकी जो तादाद है, जो उनका जो खरीदने का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। अब बड़े पैमाने पे राष्ट्र के किसानों को MSP मिलेगी और जो लागत के ऊपर उसमें 1.5 गुना मिले, इसका पूरा ध्यान रखते हुए MSP के दरें निर्धारित होती है। और बड़े पैमाने पे भारत सरकार कृषि उपज जैसे धान है, गेहूँ है, दलहन है, उसकी खरीदी करेगी, तो उसके लिए भी इस बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। बजट का आकार भी बढ़ाया गया है और इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। आत्मनिर्भर भारत के जो सोच है कि हम अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा करें, उस दिशा में यह बजट बहुत महत्वाकांक्षी बजट है। और मुझे लगता है इससे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, हमारी GDP भी आने वाले समय में इसमें बढ़ेगी।